करवाने के लिए कटिबद्ध है। इसी के तहत प्रदेश के सभी बीपीएल कॉलोनियों को अब स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जाएगा। वहीं 10,000 की आबादी वाले सभी गांवों को सीवरेज लाइन से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बावल क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए कनाल बेस स्कीम के तहत बधराना व खालेटा गांव में 137 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिससे अब क्षेत्र के 65 गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। वहीं बिजली संकट को ध्यान में रखते हुए मोहनपुर, सुखटेड़ी व कमालपुर में 33 केवी के 3 सब स्टेशन भी मंजूर किए गए हैं। प्रदेश स्तर पर हमने पहले भी कहा था कि भाई हमें सबको स्वच्छ जल देने के लिए कटिबंध है, प्रतिबंध है, तो उसके लिए हमने समय समय पे क्लोरीनेशन के लिए आदेश दे रखे हैं। समय समय पे क्लोरीनेशन करें ताकि स्वच्छ पानी लोगों को मिले। दूसरा ये था कि बरसात के टाइम में हमने कहा था कि वाटर लॉगिंग ना हो, तो जहाँ भी वाटर लॉगिंग होती है तो अपने पंप वगैरह ठीक रखें और जहाँ भी पानी भरता है तो उसको तुरंत खाली किया जाए, तो उस योजना में हम सफल भी रहे। जैसे रोहतक में भिवानी में पानी भरा और तुरंत उस पर कार्रवाई की गई और लोगों को राहत दिलाई। डॉक्टर, पिछले विषय में पहल की हुई है और हमने सभी हमारे अधिकारियों को निर्देश दिए कि भाई वो सिविल सर्जन को भी कहें कि भाई इसकी जांच करें, इसका अगर ये पानी पीने के काबिल भी है कि नहीं, तो उस दिशा में काम चल रहा है। बावल देखो, जो मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सभी पर हम ध्यान रखते हुए सड़कों की हालत आप देख रहे हो बड़ी अच्छी हो रही है, लाइटें बड़ी अच्छी लगी हुई, बिजली की कोई समस्या नहीं है, और उसी संदर्भ में हमने हमारे हल्के में 3 सब स्टेशनों पर काम शुरू करवा देते हैं। 33 केवी के 3 सब स्टेशन बन रहे हैं, मोहनपुर, सुखटेड़ी और कमालपुर, इन तीनों पर काम चल रहा है। और 3 सब स्टेशन 33 केवी के और सेंक्शन करवा दिए हमने, रामपुरा और आपका भांडोर और एक है धारण, 3 और सेंक्शन करवा दिए। जब ये बन जाएंगे तो हमारे हल्के में बिजली की कोई समस्या नहीं रहे, क्योंकि ओवरलोड की वजह से दिक्कत आती थी, अब वो समस्या खत्म हो जाएगी। क्या कुछ